जमीनी विवाद में युवक ने अपने दादा दादी और बुआ को गोली मारी। गोली लगने से बुआ की मौके पर मौत। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल वृद्ध दंपति को भेजा जिला अस्पताल इमरजेंसी। गंभीर हालत देखते हुए वृद्ध दंपति को जिला अस्पताल से मिनी पीजीआई सैफई किया गया रेफर। सूचना मिलते ही एसपी अजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। आरोपी युवक की गिरफ्तारी को लगाई गई पुलिस की 5 टीमें। थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम नेकापुर की घटना। ये जो गांव है उसका नाम नेकापुर, नेकापुर गांव, थाना दन्नाहार, मैनपुरी। यहाँ पर जो सूचना मिली और जो छानबीन हुई उसके अनुसार एक रवि पाल नाम का 20 साल का लड़का है, जिसने अपने ही सगे दादा को, दादी को और बुआ को तमंचे से फायर करके गोली मार दी है। इसमें बुआ की मृत्यु हो गई है मौके पर ही, दादा और दादी घायल हैं। पुलिस टीम तत्परता से यहां पहुंच करके तीनों को जिला अस्पताल लेकर गई है, वहां पे इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बताना है कि जो गोली मारने के पीछे कारण अभी समझ में आया है, जो बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, और जो वृद्ध महिला जो घायल है उसने जो बताया उसके अनुसार ये रवि नाम का जो लड़का है उनका ही नाती है। और इन वृद्ध दादा दादी ने जो ज़मीन जायदाद थी वो बेटी के नाम कर दिया था। प्लॉट था, मकान था, इसको बेटी के नाम कर दिया था और इसी को लेकर के नाराज़ था लड़का, इनका जो नाती था, और इसी कारण से, इसी नाराज़गी में इसने बिल्कुल दुखद घटना को अंजाम दिया है। अपने ही सगे दादा को, दादी को और बुआ को इसने गोली मार के एक बुआ की मृत्यु कारित कर दी है, बाकी दादी और दादा घायल हैं। इनको पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक जिला अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ भी इलाज चल रहा है। बाकी इनसे तहरीर ली जा रही है, जैसी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लड़की जो रवि बाल नाम का लड़का है जिसने गोली मारी है उसकी तलाश में 5 टीमें अभी से लगा दी गई हैं ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके और आगे कार्रवाई संपन्न हो सके।